छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में रमन सिंह को हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, लेकिन इस पर अभी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने रमन सिंह पर 10 साल में 11 गुना संपत्ति बढ़ने के फॉर्मूले को लेकर सवाल उठाया तो रमन सिंह ने इसे राजनीतिक से प्रेरित आरोप बताया है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। पिछले लंबे समय से कांग्रेस की तरफ से इस मामले में मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे। उस समय भी मैंने भी कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने इस मामले को तथ्यहीन, निराधार और राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है। रमन सिंह कहते हैं कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे ऊपर लगाए गए अन्य आरोप भी राजनीति से प्रेरित और तथ्यहीन है। आय से अधिक संपत्ति मैंने इकट्ठे की है और लगातार प्रेस में, मीडिया में भूपेश बघेल स्वयं इस बात को दोहराते रहे। उन्होंने न्यायालय में ये सारे मामले ले जाकर कांग्रेस के माध्यम से कोशिश बहुत की, मगर आज फैसला उच्च न्यायालय ने मेरे ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जो गंभीर आरोप लगाया गया था उसमें मैंने पहले भी कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज उच्च न्यायालय के डबल बेंच ने इस मामले को तथ्यहीन, निराधार और राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय में ने कहा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए उसके आधार पर कोई आरोप नहीं बनता। जो दस्तावेज प्रस्तुत किए उन लोगों ने उसके आधार पर कोई आरोप नहीं बनता, याचिका राजनीति से प्रेरित है। न्यायालय प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया गया, आधारहीन दस्तावेज और सिर्फ आंकलन के आधार पर याचिका दायर की गई। सभी प्रस्तुत चुनावी शपथ पत्र को भारतीय निर्वाचन आयोग एवं इनकम टैक्स विभाग द्वारा परीक्षण किया गया, लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं हुई। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला आ गया। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग की थी। याचिका में कहा था कि पूर्व सीएम ने 2008, 2013 और 2018 तक संपत्ति को लेकर शपथ पत्र में गलत जानकारी पेश की है। इस मामले में कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह को आय से अधिक संपत्ति के मामले में तकनीकी आधार पर राहत मिली हो, लेकिन नैतिकता का सवाल तो आज भी खड़ा होता है कि कैसे 10 साल में उनकी संपत्ति 11 गुना बढ़ गई। देखिए, आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाई कोर्ट से डॉक्टर रमन सिंह जी को भले राहत मिली हो, लेकिन नैतिकता का सवाल तो आज भी खड़ा हुआ है कि आपने ऐसा क्या व्यवसाय किया कि जो संपत्ति आपकी 1 करोड़ रुपए की थी वो 10 साल में 11 करोड़ रुपए की हो गई। तो यह सवाल तो आज भी खड़ा हुआ है। 10 साल तक आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपने कोई भी धंधा नहीं किया, कोई भी व्यवसाय नहीं किया, सारा समय आपने मुख्यमंत्री के पद के निर्वहन में लगाया, तो आपकी संपत्ति 11 गुना कैसे बढ़ी, यह प्रदेश की जनता जानना चाहती है। प्रदेश की जनता को भी यह फार्मूला बताना चाहिए ताकि लोग भी अपनी संपत्ति को 10 साल में 11 गुना बढ़ा सकें। तो नैतिकता के सवाल से तो डॉक्टर रमन सिंह जी नहीं बच सकते। तकनीकी आधार पे भले वो अदालत से उनको राहत मिल गई हो, लेकिन नैतिकता का सवाल, राजनीति में शुचिता और नैतिकता सबसे बड़े होते हैं, और उस मामले में आज भी रमन सिंह की तरफ उंगली उठी हुई है। गौरतलब है कि कांग्रेस के नेता विनोद तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।